अहले सुन्नत को दीवार से नहीं लगा, ये इल्मी मसला है। इसमें आप, मैं इदारों से भी कहूंगा, अगर आवाज जा रही हो कोई ना कोई तो पहुंचा रहा होगा, या कोई बिता रहा होगा, कोई बिठा रहा होगा, कोई कर रहा होगा, करो। खुलकर बात करते हैं, नश्ता पार्क पे खड़े होकर बात करते हैं, और बोलो जिधर बोलो, कहां जाके बात करनी है करके दिखाएंगे। मुल्क के वफादार हैं, इस आइन के वफादार हैं, इस दीन के वफादार हैं, इस पाकिस्तान अजीम नेमत के वफादार हैं, इसलिए कि 22 करोड़ की कुर्बानी है, अपना आबाओ अजदाद छोड़कर आए यहाँ पे। आज वो बैठे वहां पे चीफ सेक्रेटरी के पास बैठ कर ये बातें कर रहे हैं। रियासत इदारे के लोग, आप वफादार लोग हैं, और हम वफादारी के नाते आपसे ये कहते हैं कि ये इल्मी मसला है। इसमें मशायख, अगर जो मुखलिस मशायख, मुखलिस उलमा इकराम है, उनको बिठाए और ये फैसला एक कमरे में हो जाएगा। आ जाओ उनके सामने, दो दो मुनाजरा कर लो इस मौजू पे, किसी भी मौजू पे। और आज हुक्रान सियालवी साहब का बड़ा स्टैंडर्ड वाला वीडियो आई है, और उन्होंने उसके अगेंस्ट में जवाब दिए, जो चीफ सेक्रेटरी के पास बैठे हैं लोग, FIR कटवा रहे हैं, दिफा बनवा रहे हैं। और खुदा ना खास्ता ये मामला और निकल गया। मैं इदारे के लोग ये सुन ले तो ये कई मामला कहीं और ना चले जाए, किसी का बाप भी इसे काबू नहीं कर सकेगा। ये मेरी तकलीफ थी, मैंने कहा आप आ गए सामने तो इसको कर दिया, वरना ये मौजू नहीं था। लेकिन क्योंकि सबकी बातें आ रही तो उन तक बात, सब अपना मौके पहुंचा रहे हैं, तो हमारा भी मौके ये है। ये इल्मी मसला है, ये इल्मी तरीके से हल किया जाए, इसमें रियासत पार्टी ना बने, इदारे पार्टी ना बने, इसमें ये रियासत का मसला नहीं है। हाँ, रियासत का मसला ये है कि वो बिठाए, दो उधर से बिठाए, दो इधर से बिठाए, एक 5 रुकनी टीम बनाए और वो फैसला करे।